हेलो एवरीवन। तो हमने जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जो है लेक्चर नंबर 5 तक कवर कर लिया है। स्ट्रक्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, उसमें जो है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और लेक्चर को कंटिन्यू रख रहे हैं जिससे हमारा जूलॉजी का कोर्स भी हो सके। तो आइए पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में हमने कहाँ तक पढ़ा है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में हमने अब तक टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, जर्म लेयर पढ़ी, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, फिर उसके बाद एपिथेलियल सेल के बारे में पढ़ा। एपिथेलियल सेल के बाद पढ़ने के बाद हमने ये भी पढ़ा कि क्या कहते हैं एपिथेलियल सेल कैसे क्लासिफाई है सिंपल और कंपाउंड में। सिंपल के बारे में पढ़ा कि उसकी जो सेल स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार वेरी होता है। अगर उसमें फ्लैट और इरेगुलर बाउंड्री वाले सेल पाए गए तो स्क्वैमस बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ा कि अगर क्यूब शेप होंगे तो कॉलमनार बोलेंगे, अगर सिंगल लेयर से मिल रहे हो, और अगर कॉलम शेप तो कॉलमनार, क्यूब शेप तो क्यूबॉइडल। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर लेते हैं कंपाउंड एपिथीलियम। उससे पहले हमने ग्लैंडुलर एपिथीलियम के बारे में पढ़ा था, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन के बारे में पढ़ लिया था। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम भी मैंने जो है बनाया हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल को दिखाया गया, और क्या दिखाएं, प्रोटीन फाइबर दिखाएं, ग्राउंड सब्सटेंस दिखाया है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको ध्यान से पढ़ो कि इसका ओरिजिन कैसे होता है। तो मीजोडर्मल, जब आप जर्म लेयर के बारे में पढ़ रहे थे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तो आपसे पूछा जाए कि कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। तो याद रखना, आपको कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन पूछा जाए तो मीजोडर्मल। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से मिल सकता है आपको कि आपसे पूछ लेगा नीट में कि कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या है, तो आप ऑप्शन में लगाओगे मीजोडर्मल। फिर यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इसकी डेफिनेशन कह रहा है इन अ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर फार अपार्ट, मतलब कि इन कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, इनके बीच की जो दूरी है ना वो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए बोल रहा है इन अ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर फार अपार्ट, यानी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। अब इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, तो इंटरसेलुलर स्पेस होता है दो सेल के बीच का स्पेस। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इंटरसेलुलर स्पेस, तो स्पेस बिटवीन टू सेल्स, एक दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो डेफिनेशन में चलते हैं, बिटवीन दी सेल, तो आपसे बोला जाए कि इन अ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर फार अपार्ट, यानी सेल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दी टू सेल्स। फिर उसके बाद कह रहा है नो सेल जंक्शन सीन। अभी आपने सेल जंक्शन के बारे में पढ़ा था, सेल जंक्शन क्या क्या पढ़े थे हमने, एक तो टाइट जंक्शन पढ़ा था। टाइट जंक्शन का काम क्या होता है, वो प्रिवेंट करता है या स्टॉप करता है लीकिंग को। और उसके बाद कौन सा जंक्शन पढ़ा था टाइट के बाद आपने पढ़ा था, एक अडेरिंग जंक्शन पढ़ा था, और ये मतलब जंक्शन देखे थे। तो तीनों प्रकार के जंक्शन कहाँ पे देखने को मिले थे, एपिथेलियल सेल में। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से थे वो जंक्शन, मैं भी भूल गया एक बार। हाँ, गैप जंक्शन रह गया था, कम्युनिकेटिंग जंक्शन कहते हैं। तो कौन कौन से जंक्शन थे, टाइट जंक्शन पड़ा था। टाइट जंक्शन का क्या करता है काम, दो सेल के बीच में जो जंक्शन पाया जाता है और लीकेज को जो है स्टॉप करता है तो उसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। दो सेल के बीच में कम्युनिकेट कराने वाले को बोलते हैं गैप जंक्शन। इसमें क्या होता है कि कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और समटाइम्स फ्यू लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है पास हो जाते हैं। और जो एक था अडेरिंग जंक्शन जो कि जोड़ने का काम करता है, तो उसमें जो है सेल पास पास थे। एपिथेलियल सेल जब हम पढ़ रहे थे तो एपिथेलियल सेल में हमने क्या पढ़ा था कि एपिथेलियल सेल के बीच में जो एक सेल से दूसरे सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। जब डिस्टेंस बहुत कम होता है तो उसमें ब्लड कैपिलरीज भी नहीं आ पाती हैं, जिसके कारण वो एवैस्कुलर था। तो सेल के बीच में दूरी कम थी तो सेल जंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था, पर यहाँ पे एक सेल और दूसरे सेल के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस वाले कनेक्टिव टिश्यू में कोई भी सेल जंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है इन द इंटरसेलुलर स्पेस इज फिल्ड विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था जब इंटरसेलुलर स्पेस बोला था तो उसके बीच में क्या भरा होता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि इनके जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यहाँ किससे मिलकर बनता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यहाँ पे प्रोटीन से मिलकर बनता है और ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो कि मैट्रिक्स होता है। तो प्रोटीन फाइबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में आपको, और क्या दिख रहा है, ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स दिख रहा है। जो ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स होता है ना वो बना होता है मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो उससे मिलकर ये बना होता है।
फिर आगे बात कर लेते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है जो आपको आना चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू को तोड़ा गया है किसमें, एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपसे पूछ रहे कि कनेक्टिव टिश्यू कितने रूप में तोड़ा गया है, तो कनेक्टिव टिश्यू को हमने दो भागों में तोड़ लिया, एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और दूसरा बोल दिया स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है वो अगेन फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि इसमें आपके जो आएंगे वो आएगा एक तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा आएगा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एक क्या आएगा एरियोलर और दूसरा क्या आएगा एडिपोस। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को दो भागों में तोड़ा, एक तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, सीटी का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी फ्लूइड सीटी मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है वो भी दो भाग में टूटा है। अभी हम जब कार्टिलेज और बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ेंगे, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आएगा ब्लड और लिम्फ। तो हम क्या क्या समझ गए कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। पहला आपको याद रखना है इसका ओरिजिन जो होता है वो मेसोडर्मल होता है, पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। इनके बीच में जो सेल्स के बीच में डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो एक सेल से दूसरे सेल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है इंटरसेलुलर स्पेस भी बहुत ज्यादा होगा और उसमें जो भरा होगा वो ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स होगा। इतनी दूरी होने के कारण इसमें कोई भी प्रकार का सेल जंक्शन देखने को नहीं मिलता है, और जो इसका जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है जो कि प्रोटीन फाइबर से मिलकर बनता है और ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स से बनता है। और जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कनेक्टिव टिश्यू को हमने फर्दर क्लासिफाई किया कितने में, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में। जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है वो दो पार्ट्स में टूटता है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू और क्या है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आता है और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू आता है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फिर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को भी हमने तोड़ा किसमें, दो पार्ट्स में, एक तो हमारा टूटा है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें कार्टिलेज और बोन आता है, और जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें ब्लड और लिम्फ आता है। अब हम जो है कुछ अंतर देख लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना इसमें फाइबर्स बहुत कम होते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स की संख्या कितनी होती है तो बहुत कम होती है, जबकि वहीं बात कर ले डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं यानी प्रोटीन फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं। फिर कह रहा है सेल्स आर मोर इन नंबर, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें सेल ज्यादा होते हैं नंबर में, और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें सेल जो होते हैं लेस इन नंबर होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में, और ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स इसमें मिनिमल होता है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा। अब जो है हम लूज कनेक्टिव टिश्यू को अच्छे से पढ़ेंगे यानी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को पढ़ेंगे और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप इसको नोट करें, मैं कुछ समय दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। तो हमने कनेक्टिव टिश्यू का जो है ओरिजिन पढ़ लिया था, मेसोडर्मल होता है। कनेक्टिव टिश्यू को हमने क्लासिफाई भी कर लिया था लूज कनेक्टिव टिश्यू में और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, तो वो वाला पार्ट था। उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी हमने ये पढ़ लिया कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को हमने पढ़ा था। अब जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी हमने जो है स्टार्ट कर रखा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बाद में आएगा, पहले हम पढ़ लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है वो देखते हैं, और डेफिनेशन को आप ध्यान से समझना है। इसमें हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू स्टार्ट किया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमने वो पढ़ लिया ना वहाँ पे, कि हमने तो क्या पढ़ लिया था अभी हमने पढ़ा था लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में अंतर देखा था। तो वही डेफिनेशन थी आपकी लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। अब जो है हम लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहला कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं जो कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, उसको पढ़ लो। तो देखो सेल के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, सेल के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसका मतलब कोई भी सेल जंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले तो वही प्रॉपर्टी होंगी जो पीछे चली आ रही थी, हमने क्या पढ़ा था कि इनके बीच में इतना डिस्टेंस होता है कि जो है कोई भी सेल जंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जोड़ने के लिए कोई भी सेल जंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। फिर कह रहा है कि कंटेन सेल यानी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किसका बना होता है, सेल्स का बना होता है। मैक्सिमम सेल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, वही लाइन आ गई, जब मैक्सिमम सेलुलर इंटरस्पेस प्रेजेंट है
तो इसका मतलब कोई भी जंक्शन इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन इंटरसेलुलर स्पेस फिल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस, जो पीछे लिखा था वही इसमें है। पर आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो इसमें सबसे बड़ा सेल है वो फिब्रोब्लास्ट सेल है। आप अपनी एनसीईआरटी के डायग्राम में देखना कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या क्या दे रखा है। आपको एनसीईआरटी बहुत जरूरी है पढ़ना। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको जो है लेक्चर को रिलेट करने में आसानी नहीं हो पाएगी। आप जब लेक्चर देखते हैं उसके बाद अपनी एनसीईआरटी को देखिएगा, क्या मैं कुछ पॉइंट छोड़ रहा हूँ, क्या मैं बेमानी तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि मैं छोड़ के आगे बढ़ जा रहा हूँ जो मुझे नहीं आते हैं। तो आप जो है कमेंट में भी लिखना कि सर ये टॉपिक छूट गया है, क्योंकि मैंने भी जो है यूट्यूब से ही पढ़ा है, तो मुझे भी ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं लेक्चर पूरा कर देता हूँ तो उसके बाद आप एनसीईआरटी को खोल कर देखेंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ेंगे, और अगर कुछ छूटा है तो कमेंट करेंगे कि सर ये वाली लाइन छूट गई है। तो हम देख लेते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या डेफिनेशन दी। ये बना होता है सेल का मैक्सिमम इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, और कह रहा है इन इंटर सेलुलर स्पेस जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो कंटेनिंग प्रोटीन फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो कंटेनिंग करता है प्रोटीन फाइबर्स को एंड ग्राउंड सब्सटेंस को। तो आपको इसमें क्या क्या देखने को मिले, अगर आपसे पूछा जाए कि सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होती हैं, तो इसमें एक सेल मिलती है फिब्रोब्लास्ट जो कि सबसे बड़ी होती है, दूसरा होता है मैक्रोफेज, तीसरा होता है प्लाज्मा सेल, और इसमें रेटिकुलर फाइबर भी देखने को मिलते हैं, मास सेल देखने को मिलती है, ग्राउंड सब्सटेंस जो कि सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड मतलब हाफ जमा हुआ, तो सेमी मतलब होता है आधा, तो इसका जो फ्लूइड होता है वो सेमी फ्लूइड होता है जो कि म्यूकोपॉलीसेक्राइड का बना होता है, अगेन कार्बोहाइड्रेट है। अब हम पढ़ लेते हैं सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो आप जो है इसको नोट करें और अब हम स्टार्ट करते हैं सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो आपको एनसीईआरटी देखनी है, ठीक है, तो आप इसको नोट करो। सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे तो फिब्रोब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, मैक्रोफेज के बारे में पढ़ेंगे, मास सेल के बारे में पढ़ेंगे, और प्लाज्मा सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं कि अभी जो है आपको ऐसा लग रहा होगा कि लेक्चर तो चल रहे हैं बहुत सारे, पर आपको जो है ये कन्फर्म कर लेना चाहिए कि ये लेक्चर हमारे एनसीईआरटी से मैच कर रहे हैं नहीं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, यूट्यूब में कोई भी टीचर आता है वो अपना तो अच्छा ही चाहेगा, तो वो क्या करेगा कि आपको मीठी मीठी बातों में फंसा देगा, और जो है आप जो है उसके मीठी मीठी बातों में फंस कर उसके लेक्चर देख लेंगे। पर क्या होता है कि हमारी अगर वो एनसीईआरटी से मेल ही नहीं खाएगा तो उसका क्या फ़ायदा है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे लेक्चर सरल जा रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को भी मिलाइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार मुझ पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर लो, क्योंकि मेरा नीट भी खुद भी निकला है। जब मेरा नीट खुद नहीं निकला है तो मैं ज़रूरी थोड़ी है कि आपका नीट निकलवा सकूं। तो आपको जो है क्या करना है ना कि एनसीईआरटी को पढ़ना है और ख़ुद भी उसको जो है और एनालाइज करना है कि क्या क्या कमियां रह गई हैं। मेरे में बहुत कमियां रह गई थी, इसीलिए जो मैं आज जो है बता रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ। तो अब पढ़ लेते हैं सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। हाँ, उस बात का खेद रहेगा कि नीट नहीं निकला, कोई बात नहीं, किसी और का तो निकलेगा। तो सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें फिब्रोब्लास्ट की बात करेंगे। तो इसमें फिब्रोब्लास्ट क्या होता है ना, फिब्रोब्लास्ट जो होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। तो ये जो होता है ना, लार्जेस्ट सेल्स होता है ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। आपको याद रखना है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है उसको बोलते हैं हम क्या, फिब्रोब्लास्ट। उसके बाद ये मैक्सिमम इन नंबर होते हैं, यानी अगर जो सबसे ज़्यादा, अगर पूछा जाए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला सेल है वो क्या होता है, मैक्सिमम इन नंबर में फिब्रोब्लास्ट होता है। फिर क्या होता है, इसमें इट फॉर्म फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स, यानी जो है जो फिब्रोब्लास्ट होता है ना वो क्या करता है, बनाता है ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स को, ठीक है। तो आपको फिब्रोब्लास्ट के बारे में क्या क्या याद रखना है, तो आपको सर फिब्रोब्लास्ट के बारे में ये याद रखना है कि ये लार्जेस्ट सेल ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, मैक्सिमम इन नंबर होता है, फॉर्म करता है फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स को, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्रोफेज के बारे में पढ़ते हैं, यानी हिस्टियोसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि क्या कहते हैं जो है वीडियो में क्या कहते हैं कुछ चीज़ें छूट रही हैं, तो आप PYQ भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आप बना के जरूर देखना कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे। मैं भी ये गलती करता था, मैं PYQ नहीं बनाता था। जब मैं PYQ नहीं बनाता था, मैं सोचता था कि लेक्चर पूरा करके जो है मौज आ गया, मतलब हमारा सिलेबस हो गया है। पर जो है PYQ ना बनाने के कारण जो है लास्ट दिन इसका इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा,
और लास्ट दिन जब पेपर खराब हो जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है कि हमारा भी नीट निकल जाता है, पर ऐसा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, मैक्रोफेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैक्रोफेज को जो है हिस्टियोसाइट्स भी कहते हैं, और मैक्रोफेज क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया करते हैं, यानी बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्रोफेज का क्या नाम है, दूसरा नाम होता है हिस्टियोसाइट्स, तो इसका जो काम होता है वो फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया करना होता है। ये क्या करता है कि मैक्रोफेज जो है बैक्टीरिया को जैसे ही देखता है तो वो उस तरह से इनगल्फ करने की कोशिश करता है, यानी उसको अपनी तरफ अंदर लेने की कोशिश करता है, और जब वो उसको इनगल्फ कर लेता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाता है। जब बैक्टीरिया मैक्रोफेज के अंदर प्रवेश कर जाता है तो जो बैक्टीरिया विल बी डिस्ट्रॉयड बाय इट्स एंजाइम, यानी जो मैक्रोफेज के जो एंजाइम होते हैं वो क्या कर देते हैं, उस बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। तो आपके अगर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में अगर बैक्टीरिया एंटर करता है तो फिब्रोब्लास्ट तो क्या करता है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल होते हैं इसमें, ये मैक्सिमम नंबर पे होते हैं और ये फॉर्म करता है ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स, और जो मैक्रोफाज होता है हिस्टियोसाइट, अगर बैक्टीरिया घुस जाए तो वो उसको इनगल्फ करके जो है मारने का काम करता है। तीसरा सेल होता है मास सेल, जो कि सिक्रीट करता है तीन कंपाउंड्स, आप इसको नोट करो, मास सेल के बारे में आप पढ़ते हैं तो इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। तो इस स्लाइड के बाद हम जो है लेक्चर को ख़त्म करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में जब हम पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो हमने उसमें फिब्रोब्लास्ट डन कर लिया, मैक्रोफेज जो कि हिस्टियोसाइट होता है उसको डन कर लिया, मास सेल को जो है अब हम पढ़े जा रहे हैं। तो मास सेल जो है सिक्रेट करता है तीन कंपाउंड को, पहला होता है हिस्टामिन, दूसरा होता है हेपेरिन, तीसरा होता है सीरोटोनिन। क्या था, ध्यान से बोलना आप, जो है मास सेल तीन केमिकल कंपाउंड को रिलीज करता है, पहला होता है हमारा हिस्टामिन, दूसरा होता है हेपेरिन और तीसरा होता है सीरोटोनिन। जो हमारा हिस्टामिन होता है वो क्या होता है सर, वैसोडाइलेटर। देखो डाइलेट मतलब डाइलेट करना, फैलाना, तो जब कोई चीज फैलती है तो वो डायलेट करती है, अर्थात वैसोडाइलेशन का काम कौन करता है, हमारा करता है हिस्टामिन। ये क्या करता है, मान लो अगर इतना पतला कोई पाइप है, इसमें से मैं अगर किसी चीज को फ्लो कराऊं तो वो टाइट जाएगा, यानी तेजी से जाएगा, पाइप के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, पर मैं अगर इसी पाइप को इतना डायलेट कर दूं, यानी इसी पाइप को, मान लो ये पतला पाइप है, अगर मैं इसकी जगह देखो ये बोतल ले आया, इस बोतल में अब ये वाला पाइप मान लो इतना मोटा हो गया, तो ये इतना मोटा हो गया तो इसमें से क्या होगा, ज्यादा चीज फ्लो कर सकती है ना, मतलब वैसो डाइलेशन किया। पहले आर्टरी का डायमीटर इतना था, ये वाला था मान लो, अब आर्टरी का डायमीटर इतना हो गया, दवाई का ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, अब जो है इसका क्या हो गया, इतना ज्यादा हो गया, तभी नाम छुपा दिया इसका, मतलब इसका डायमीटर बढ़ गया, तो क्या होगा, कोई चीज जो है आसानी से जा सकेगी, अर्थात हिस्टामिन का काम क्या होता है, वैसोडाइलेशन का, ये मेरी दवाई है। जो हेपेरिन होता है ये एंटीकोएगुलेंट होता है, एंटीकोएगुलेंट क्या हुआ, ये ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करता है। मान लो आपका जो है हाथ इंजर्ड हो गया, यहाँ पे चोट लग गई हाथ में, तो हाथ से ब्लड निकल रहा है, तो मास सेल काम आएगा, मास सेल जो है हिस्टामिन के बाद हेपेरिन, यानी मास सेल क्या करेगा, हेपेरिन को रिलीज करेगा। जब हेपेरिन रिलीज होगा तो ये एंटी कोएगुलेंट है और ये क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप कर देगा। हिस्टामिन ने क्या किया था, वैसोडाइलेशन किया था, यानी आर्टरी का साइज बढ़ाकर ब्लड के फ्लो को ज्यादा किया था, यानी डायमीटर को इंक्रीज किया था आर्टरी के। अब जो है सीरोटोनिन, आपको पूछा जाए सीरोटोनिन क्या करता है, ये वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। इतनी बड़ी जो अभी हमारी आर्टरी थी ये वैसो डायलेट हुई थी, किसके कारण, हिस्टामिन के कारण, तो इसका जो है वैसो कंस्ट्रिक्टर कौन करेगा, यानी इतनी मोटी आर्टरी को जो है पतली आर्टरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पतली आर्टरी में कन्वर्ट करने के लिए वो सीरोटोनिन जो है वैसो कंस्ट्रिक्टर को रिलीज करेगा। जैसे ही वैसो कंस्ट्रिक्टर रिलीज होगा, आर्टरी का डायमीटर कम हो जाएगा और प्रेशर के साथ जो है ब्लड जाएगा, तो सीरोटोनिन क्या करता है, डिक्रीज करता है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। अब जो लास्ट टॉपिक इसमें बचा है कि सेल्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में, तो उसको पढ़ लेते हैं, जो कि प्लाज्मा सेल्स होता है। प्लाज्मा सेल्स को हम कहते हैं एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का ये काम करता है, और ये करता क्या है, सिक्रीट करता है एंटीबॉडीज को, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। आपसे पूछा जाए प्लाज्मा सेल क्या होती है, तो ये एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट होती है, सिक्रीट करती है एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ये एंटीबॉडी जो है किल करती है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन जो कि पैथोजन कॉज करते हैं डिजीज को। तो आज के लेक्चर में हमने जो है
कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या क्या पढ़ा उसको देख लेना कि हमने उसका ओरिजिन पढ़ा था, मीजोडर्मल कैसे कैसे क्लासीफाई हुआ था, लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू खत्म कर लिया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के हमने पार्ट्स भी देख लिए। अब आप जो है इसकी एनसीईआरटी को पढ़ना, वो लाइन टू लाइन देखना कि कोई लाइन छूट गई या नहीं छूट गई। देखो ऐसा होता है बहुत बार कि कई जो है एनसीईआरटी को स्किप करके पढ़ाते हैं और हम भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं, पर एनसीईआरटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसे आप बाइबल या जो भी बोल सकते हो, गीता कुरान कुछ भी कह सकते हो, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें जो है सारे पॉइंट दिए। अगर मैं ये नहीं भी पढ़ाऊँ तो आप एनसीईआरटी पढ़ के भी नीट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले नोट जो हैं ये एनसीईआरटी से ही मिलते जुलते हैं। साथ में पीवाईक्यू लगाइए और जो है खूब प्रैक्टिस कीजिए। 2024 का जो नीट है वो अब आएगा हमारा, कब आएगा वो आएगा हमारा मई में, तो मई के हिसाब से भी प्रिपरेशन करते रहिए। और जो लेक्चर नहीं आते हैं उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में जो है बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर पढ़ाते हैं। मैं कोई अच्छा टीचर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सब यूट्यूब से ही सीखा है या फिर पीडब्ल्यू से सीखा है, अब वो बोल दिया मैंने पीडब्ल्यू से सीखा है तो ऐसा ही है। तो मैंने भी ये लेक्चर जो है अलग अलग जगह से सीखे हैं और ये नोट्स बना पाया हूँ मैं, तो आप भी जो है अपने नोट्स को कंपाइल कर सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू, और इस लेक्चर में बने रहिएगा, नोट्स को रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।